मन को ना चट्टान की तरह मजबूत बना लो, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी अनौपचारिक परिस्थितियां आएंगी जो आपको इंपैक्ट डालने का पूरा भरमार कोशिश करेंगी, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप उन परिस्थितियों से कैसे निपटना चाहोगे। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आपके सामने दो तरीके की परेशानी होगी। सबसे पहले परिस्थितियों को समझो, परिस्थितियां क्या हैं। सबसे पहला, एक तो स्ट्रक्चर्ड वे, एक लॉजिकल परिस्थितियां होंगी, एक होंगी प्रोडक्टिव और एक होगी अनप्रोडक्टिव। सबसे पहले प्रोडक्टिव पे ध्यान दो, जो आप प्रोडक्टिव परिस्थितियां हैं उसको समझना ध्यान से, जो आने वाली है। सपोज आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सपोज आप किसी चीज में काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जिसमें आपको पता है कि मैं इसमें इस तरीके से काम करूंगा तो वो मैं आगे इस तरीके से बढ़ सकता हूं, आगे ये कर सकता हूं, वैसे कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगी। सपोज आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो वो आपके फ्यूचर में आने वाली परिस्थिति है, जिसको आप प्रोडक्टिव परिस्थिति का नाम दे सकते हो, कि जिसके ऊपर आप काम करके आप अपनी लाइफ में बहुत ऊपर सक्सेसफुल बन सकते हो। और उसी के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी होती है, सपोज आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, फ्यूचर में आने वाली है, जिसके ऊपर हम कुछ समय का काम करके आगे उसको प्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव अपनी लाइफ के लिए बना सकते हैं। सपोज आपने पूरे साल में एग्जाम में पढ़ाई नहीं की, अब होता क्या है कि पढ़ाई तो की नहीं जी, अब क्या कर सकते हैं, तो आप एग्जाम से कुछ महीने 10 दिन 15 दिन पहले आप पढ़ना स्टार्ट करते हो। अब वहां पे आप स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनाते हो कि आप उसको पास कर जाते हो, अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाते हो, तो कहीं ना कहीं वो परिस्थिति ऐसी थी जिसको आप प्रोडक्टिव बना सकते थे। तो नॉर्मली क्या होता है, एक बार मेरे साथ कुछ एग्जाम्पल मैं आपका अपना शेयर करना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ कि मेरी लाइफ में दो परिस्थिति आ गई जिसमें मुझे थोड़ा सा डाउट फील हुआ, मतलब मुझे स्पेसिफिकली नहीं पता था कि ये प्रोडक्टिव है अनप्रोडक्टिव है। इस चीज को समझना आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से उस अपॉर्चुनिटी को समझ सकते हो, कि भाई मेरे साथ परेशानी आ गई कि यार मेरे को कुछ उधारी लेनी थी और वो उधारी मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को इम्पैक्ट कर रही थी कि इस तरीके से मैं इसको, मैं दोबारा इस चीज को बताना चाहूंगा। सो ये प्रोडक्टिव काम हो गया, ठीक है, कोई भी परिस्थिति ऐसी जो आपको प्रोडक्टिव कर सके, जिस पे आप काम करो, आप आगे बढ़ सको, उस चीज को समझिए। और कुछ चीजें होती है अनप्रोडक्टिव, मतलब जो भी अनप्रोडक्टिव परिस्थिति होती है वो आपकी पास्ट, मोस्ट प्रोबेबली पास्ट परिस्थितियां होती है जिसके ऊपर आप चाह करके भी काम नहीं कर सकते और उसके लिए परेशान रहते हो। सपोज आपने अपनी लाइफ में कुछ गलती कर दी और आप ये सोच रहे हो कि यार ये गलती हो गई, अगर ये गलती नहीं हुई होती तो मैं आज ये होता, अगर वो गलती नहीं हुई होती तो मैं आज यहाँ होता, अगर मैं 10th क्लास में या 12th क्लास में ज़्यादा पढ़ाई कर लेता तो मेरे मार्क्स ये आते और मैं ये कर रहा होता, तो अब वो तो अनप्रोडक्टिव होगी परिस्थिति, उस पर तो आपका जोर है ही नहीं क्योंकि उस पर आप काम कर ही नहीं सकते क्योंकि वो निकल चुका है। सो इन दोनों परिस्थितियों को आपस में कैटेगराइज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक प्रोडक्टिव और एक अनप्रोडक्टिव। मेरी लाइफ में क्या हुआ कि मेरे 10th क्लास में बहुत कम मार्क्स आए, मतलब मान के चलिए 65 के आसपास मार्क्स आए। अब मैं कम से कम उसके 2 से 3 महीने तक थोड़ा सा डिप्रेशन में रहा कि यार 10th क्लास इतनी इंपॉर्टेंट क्लास थी और इसमें मैंने पढ़ाई नहीं करी और इसी में मैं सबसे कम मार्क्स लेके आया हूँ, अब मेरा आई का फ्यूचर सब खराब हो गया, क्योंकि मुझे उतना ज्ञान नहीं था, मैं इतनी सोच रखता था 10th क्लास वाले बच्चे की तरह सोच रखता था, 14-15 का था मैं उस टाइम पे, तो वो सोच रखता था। और आप किसी भी स्टेज में हो, जब तक आप अपने पास्ट को लेकर के रोते रहोगे या सोचते रहोगे तो वो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। आप सिंपल सा सोच के देखिए, अगर मैं उस चीज पे टेंशन ले रहा हूँ, डिप्रेशन हो रही है मुझे कि मैं 10th क्लास में बहुत अच्छी पढ़ाई करता तो मैं आज ये कर रहा होता, वो चीज हो सकती है, वो जो मैं सोच रहा हूँ वो पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता, तो मैं इस पर टेंशन क्यों ले रहा हूँ। मुझे यहाँ पे ये सोचना चाहिए था कि ठीक है भाई 10th क्लास चली गई, मुझे 12th क्लास में ये काम करना है, कोई बात नहीं, मेरे पास कोई भी सब्जेक्ट हो मुझे इस तरीके से काम करना है ताकि मैं अपने उस एम पे पहुंच पाऊँ।
तो आपको अपनी परिस्थितियों को करेक्टराइज करना बहुत जरूरी है, अपने दिमाग को चट्टान की तरह स्ट्रांग करना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में कोई भी सिचुएशन आपको इंपैक्ट कर सकती है। बात को बहुत ध्यान से समझना, कोई भी परिस्थिति आपको इंपैक्ट कर सकती है, कोई भी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती है, बट शर्त सिर्फ इतनी है कि आप अपने लेवल पे उसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। सो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप किस लेवल पे किस तरीके से उन परिस्थितियों को पहचान पाओगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो आपने परिस्थितियों को समझ लिया कि ये प्रोडक्टिव है ये अनप्रोडक्टिव है, तो आप उसी लेवल पे उसी तरीके से उसको हैंडल करना स्टार्ट कर दोगे। सो आप अपने दिमाग को चट्टान की तरह स्ट्रांग बना के रखिए, आपको परिस्थितियों को समझना पड़ेगा, सिचुएशंस को समझना पड़ेगा, तब जा करके आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैं इस परिस्थिति में इतना सोचता हूं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर मैं उतना सोचता हूं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये दोनों पार्ट एक अलग अलग स्वर में काम करते हैं। सो थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ।